प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, कोर्ट ने 60 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया है। बड़ी खबर, लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है, 5 साल की सजा मिली है। हालांकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले के तमाम जितनी भी सजाएं थी उसकी आधी अवधि पूरी कर चुके हैं और एक बार फिर से 5 साल की सजा सुनाई गई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बस अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस वार्ता करने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव के सजा सुनाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और चलिए अब सीधा नीतीश कुमार ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए और ये मामला उनका चलते चलते कई चीज़ों में, कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है। तो चलिए इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। एजाज जी, लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दिया गया है और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वो खुद फंसे थे, उन्होंने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली है और जब सजा मिली तो उन्होंने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बना दिया, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा। एजाज जी, देखिए कोर्ट का जो फैसला आया है उसको हम लोग सब लोग सिरोधार्य करते हैं, लेकिन आगे हमारे जो वकील हैं वो उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। नीतीश जी के बयान का सवाल है, नीतीश जी के संबंध में एसडी सिन्हा ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया था कि 1 करोड़ रुपया हमने उनको भी दिया है, लेकिन ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो उस मामले को दबा दिया गया और कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से लालू प्रसाद जी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ही मामले में फैसला आना और एक ही तरह का, एक ही मामला नहीं है सर, 5 चारा घोटाले के 5 मामले हैं सर, डोरंडा कोषागार मामला, दुमका मामला, देवघर मामला। जी देखिए, जिला अलग अलग हो सकता है, जिला के कोषागार का मामला है, कोषागार के कस्टोडियन वहाँ के डीसी होते हैं, डीएम होते हैं, उन लोगों पर कोई मामला नहीं बना डायरेक्ट, किस मिनिस्टर पर, ये पहली बार ऐसा हुआ है